हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हु वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड इन मार्च 2024? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित कौन किया गया? तो इनका नाम है प्रोफेसर मीना चरांदा। आंसर इज बी। रिसेंटली विच स्टेट फाउंडेशन डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च? 30 मार्च को किस स्टेट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया? तो ये स्टेट है राजस्थान। आंसर इज बी। हु हैज वॉन द टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड? टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड किसको दिया गया? तो टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया विजय जैन को। Who has recently chaired the second G20 Employment Working Group meeting? Second G20 Employment Working Group को chair किया गया ब्राज़ील के द्वारा। Which Indian player won the gold medal in the 59 kg weight category in the Para Powerlifting World Cup 2024 held in Egypt? मिस्र में आयोजित पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनका नाम है विनय कुमार। आंसर इज डी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसेंटली? तो न्यू DG बने हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। इनका नाम है राजीव कुमार शर्मा। आंसर इज बी। हु हैज रिलीज द थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024? तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये UNEP के द्वारा जारी किया गया। UNEP का स्थापना दिवस कब है? 5 जून 1972 को ये स्थापित किया गया था। सैफुद्दौला बिकम द फर्स्ट एम्पायर ऑफ विच कंट्री टू ज्वाइन ICC एलीट पैनल? हाल ही में सैफुद्दौला ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले देश किस देश के पहले एम्पायर बने हैं? तो ये हैं कहाँ के? बांग्लादेश के। आंसर इज सी। When was International Zero Waste Day celebrated? International Zero Waste Day celebrate किया गया 30th March को। Who has become new president of ATMA Automotive Tower Manufacturer Association in March 2024? तो आत्मा के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अर्णव बनर्जी। आंसर इज सी। वुमेन प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किसको किया गया? हु हैज़ रिटन द बुक कोड डिपेंडेंट विच हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द वुमेन प्राइज? तो इनका नाम है मधुमिता मुर्गिया और ये एक इंडियन ब्रिटिश राइटर हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट UNHI-3? UNHI-3 को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? जो एक मौसम संबंधी उपग्रह है, इसको लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू पास ए बिल टू टैकल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन? इट्स नॉट चाइल्ड, इट्स बाल, हेयर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। इसमें बाल भेदभाव, मतलब हेयर के आधार पर वहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ उनके बालों की वजह से भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए बिल लाया गया है। ये किया गया है फ्रांस के द्वारा। हु विल चेयर द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी? रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस फोरम को चेयर किया है जो वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वलिटी के लिए। ये किया गया है सऊदी अरेबिया के द्वारा। वेयर हैज़ अलू अर्जुन वैक्स स्टैचू बीन अनवेल्ड रिसेंटली? अलू अर्जुन की वैक्स स्टैचू अनवेल किया गया दुबई में मैडम तुषाद म्यूजियम में, ये किया गया है। वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल बीन इनाग्रेटेड रिसेंटली? ओम शेप टेम्पल जो वर्ल्ड की फर्स्ट है, इसको इनाग्रेट किया गया राजस्थान में।
Where was the Spring Festival Sigmotsav celebrated recently? Spring Festival है बसंत का वो है फेस्टिवल सुगमोत्सव, इसको सेलिब्रेट किया गया गोवा में रिसेंटली. लुइस गॉसेट जूनियर पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो ये एक एक्टर थे, अभिनेता थे, इनका 87 वर्ष की उम्र में अभी अभी निधन हो गया. रिसेंटली पॉपोकैटेपेटल ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है पॉपोकैटेपेटल वॉल्केनो, इरप्टेड इन विच कंट्री इज इट लोकेटेड? तो ये मैक्सिको में लोकेटेड है. आंसर इज सी. विद होम इज माइक्रोसॉफ्ट डेवलपिंग ए आई सुपर कंप्यूटर? माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर ए आई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का विकास कर रहा है? स्टारगेट का विकास किसके साथ कर रहा है? तो ये ओपन ए आई के साथ कर रहा है. आंसर इज डी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.